वेलकम टू विश्वजीत रिसर्च सेंटर। इतिहास में पहली बार, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग सबको पता रहेगा, अगर कोई लोग या कोई भी इंसान या कोई भी रहने दीजिए, अगर वो कुछ अच्छा करता है और इतिहास में पहली बार करता है तो वो बहुत खुश होता है। अगर उसमें भी अगर उसका कंट्री ये करे तो खुशियां दुगना हो जाती हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक बात बताता चलूं कि इंडिया ने ऐसा ही एक कारनामा कर दिया है। पूरे इतिहास में इंडिया ही एक, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस पुल किया है। 100 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस पुल्ड बाय इंडिया। वर्ल्ड बैंक का यह प्रेडिक्शन है इस बार कि आ चुका है, अभी तक उनके पास जो रिकॉर्ड्स गए हैं, कि इंडिया इज गोइंग टू अचीव 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस इन ईयर 2022। भारत 2022 में 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस लेने जा रहा है। ये आपको एक बात बता दूं, 25% ज्यादा है अपना एफडीआई से। एफडीआई बोलेगा तो जिसको नहीं पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसका 25% से भी ज्यादा है, मतलब एफडीआई से भी 25% ज्यादा है जो अपना रेमिटेंस अपन कमाएंगे इस साल 2022 में। इट इज गोइंग टू बी 100 बिलियन डॉलर। अभी रेमिटेंस क्या होता है, बहुत किसी को पता रहेगा, बहुत किसी को नहीं पता रहेगा। जिनको नहीं पता है बता दूं, अगर कोई इंसान देश के बाहर जाकर काम करता है और वहां से जो अर्निंग होता है उसे अपने देश में जब वो वापस भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। जैसे यहां से कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई यूएई चला गया, कोई सऊदीया चला गया, वहां पे वो काम करता है तो उसको पैसे वहां के हिसाब से मिलते हैं, वहां के करेंसी में मिलता है। वो पैसा जब भारत में आता है दैट इज नोन एज रेमिटेंस, जब वो अपने परिवार को भेजता है। इसमें आपको बता दूं, इंडियन माइग्रेंट्स जो हर साल बाहर जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उन्होंने अपने घर जो पैसा भेजते हैं इस साल उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ये आर्टिकल भी देखिए आप लोग, 100 बिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कट बोला है। एक आपको बहुत ही बड़ा एक न्यूज चैनल का नाम बताता हूँ, CNN, ये भी काफी माना हुआ चैनल है वर्ल्ड में। उसने भी पब्लिश किया है कि इंडिया ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड तोड़कर 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस कमाया है 2021 में। आपको बता दूं, हमारा जो रेमिटेंस था, रेमिटेंस आपको जैसे आपको पहले ही बता दिया, जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं और वहां से जो पैसा भेजते हैं दैट इज नोन एज रेमिटेंस। तो 2021 में हमारा रेमिटेंस था 89 बिलियन डॉलर। इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया 2022 में विथ 100 बिलियन डॉलर। पहले हमारा रेमिटेंस ज्यादातर, आपको एक बात बता चलूं, इससे पहले मतलब 2022 से पहले हमारा रेमिटेंस ज्यादातर गल्फ कंट्रीज से आता था, जीसीसी कंट्रीज से आता था, जहां पे लोगों को मतलब लो स्किल्ड वर्कर्स ही रहते थे, वहां पे जीसीसी में मैक्सिमम जो जाते थे लो स्किल्ड वर्कर्स रहते थे। लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल बदल गया, लोग गल्फ जाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं और गल्फ कंट्री से अपना निर्भरता काफी कम हो चुकी है। अभी इस बार जो रेमिटेंस आया है, आप विश्वास नहीं करोगे, इस बार का जो रेमिटेंस है ये मैक्सिमम आया है आपका यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं सब से आया है। यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कनाडा, ठीक है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मतलब यूरोपियन कंट्रीज और यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के आया है। एक बात और बताता चलूं आपको कि हमारे वर्कर्स इस बार जो हमारे को पैसा आया है ये लो स्किल्ड वर्कर्स का नहीं आया है, जो वहां लेबर के हिसाब से जाते थे या कोई मजदूर हिसाब से गए या अनस्किल्ड वर्कर्स है। इस बार जो रेमिटेंस आया है, बाहर से पैसा आया है, दे आर मोस्टली ऑफ हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज, जैसे सीईओ हो गया कोई कंपनी का, मैनेजर हो गया, वीपी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, टीम लीड हो गया, डॉक्टर्स हो गया, नर्सेस हो गए, इस हिसाब से इन बड़े हाई प्रोफाइल के पैसे हम लोगों को इस बार आए हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि इंडिया के लिए एक्चुअली ये 2022 एक यादगार साल है। एक्चुअली मैं बोलूं तो यादगार साल तो ऐसे भी हमारे लिए है। सबसे पहली बात, हमारा खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हमने बना दिया,
हमारा खुद का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ भी सकता है, लैंड भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है प्रचंड, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो एक्चुअली 2022 हमारे लिए यादगार है। एक बात और बताऊं आपको कि पिछले साल से इस बार का रेमिटेंस इनकम में हम लोगों का 12% का इंक्रीज है, 12%। टॉप रेमिटेंस गिविंग कंट्री आपको पता है इस बार कौन है, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस हम लोग को दिया है इस बार का? आप लोग शॉक हो जाएंगे, यूएसए। यूएसए ने यूएई को पीछे छोड़ दिया है। पहले यूएई हुआ करता था, अभी इस साल से यूएसए है जो हमको सबसे ज्यादा रेमिटेंस दे रहा है। और पूरा रेमिटेंस जो अपने पास है इसका 23% सिर्फ यूएसए से आया है। 2021 में एक फॉरेन ऑफिशियल थी यूएस की, उन्होंने कहा था इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड 160 बिलियन का था। आप सोचो 2022 में हम लोग सिर्फ रेमिटेंस ले रहे हैं 100 बिलियन डॉलर का, 100 बिलियन डॉलर्स का। इन सब चीजों से ये पता लगता है आपको, आप समझ के चलो कि इंडिया और यूएस एक बहुत क्लोज अलाई बन चुके हैं इकोनॉमिकली। डिफेंस के में भी तो बन ही रहे हैं, बट इकोनॉमिकली दे आर मोर गेटिंग स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर। ठीक है, ये जो भी कमाई हो रहा है इसमें आप पता करो, मैं इसका क्रेडिट, ये जो भी रेमिटेंस या जो भी हम बाहर से कमा रहे हैं इसका मैं क्रेडिट पूरा पूरी देता हूं अपने एजुकेशन सेक्टर को। इतनी अच्छी पढ़ाई मुझे नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं होती रहेगी। इंडिया इज अ किंग ऑफ एजुकेशन एंड अर्निंग मनी। ये तो भाई हो गई। अभी बीते 5 सालों में आप देखोगे ना तो यूके, यूएस, सिंगापुर, इन सब से जो हमारे जो लोग काम करने जाते हैं, हमारा रेमिटेंस यहां से 26% से बढ़कर 36% हो गया है। और एक मजे की बात पता है आपको, जिस देश पर हम लोगों की, जिस गल्फ कंट्रीज पर हम लोगों की निर्भरता थी, वहां हम लोग का पहले 54% था, वो घट के अभी आप समझो 28% पे गिर गया है। मीन्स हम लोग उसके तरफ ज्यादा देख ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, गल्फ कंट्रीज का युग खत्म ही समझो। वहीं थोड़ा अपन अभी बात कर लेते हैं बाजू वालों की, अपने आजू बाजू में जो है। बांग्लादेश का इससे पहले था 22 बिलियन डॉलर, अभी घट के हो गया है 21 बिलियन डॉलर। रेमिटेंस की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान का था 31 बिलियन डॉलर, इस साल हो गया है 29 बिलियन डॉलर। श्रीलंका का था तो बहुत ही बुरा हाल है, 5.5 बिलियन डॉलर था, इस बार घट के 3.6 बिलियन डॉलर हो गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि ये लगता है 100 बिलियन डॉलर जो कमाया है इसमें कि रुपए जो कमजोर हो गया है डॉलर के सामने, इसके लिए कमा लिया है। कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर आप बताओ पाकिस्तान का रुपया के तो हालत और भी खराब है, तो फिर उसने क्यों नहीं कमाया? इस पर भी वर्ल्ड बैंक ने खुलासा किया है कि वो क्यों नहीं कमा पाया। पाकिस्तान जो नहीं कमा पाया उसमें जितना वो 2021 में कमाता था इस साल उतना ही कमाया है, 31 बिलियन डॉलर करीब, लेकिन उसने पैसे वहां अपना कंट्री में लीगली भेजे ही नहीं है, इलीगल तरीके से भेजे हैं, हवाला वगैरह के तरीके से, क्योंकि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कब पता नहीं क्या हो जाए, सरकार गिर जाए, पूरा मार्शल लॉ लग जाए, पता नहीं। एक बात और बता दूं, रेमिटेंस ऐसा नहीं है कि आ गया तो बस हो गया। रेमिटेंस से गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छी कमाई होती है विथ टैक्सेस। अभी समझो जितना अपना इन्फ्लो रहेगा रेमिटेंस का, जितना एफडीआई बढ़ेगा, जितना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा ना, हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक फ्लो बढ़ेगा बाहर का, एफडीआई भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस कंट्री का जितना ज्यादा आपका एफडीआई स्ट्रांग, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स रिजर्व्स जो अपना फॉरेन करेंसी रहती है वो जितना स्ट्रांग, वो कंट्री उतना ज्यादा मजबूत होता है। और विदेशी मुद्रा भंडार जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उस देश का इकोनॉमी उतना स्ट्रांग होता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आते हैं, नौकरियां भी ज्यादा मिलती हैं। तो जो है इंडिया ने जो ये सब कुछ अचीव किया है उसके सामने तो कोई भी खड़ा नहीं होता है। आप डेटा देखेंगे तो इंडिया 100 बिलियन डॉलर, चाइना 51, मेक्सिको 60, और इन लोगों का तो गिनना ही नहीं है। लेकिन आपको एक बता दूं, इंडिया का रेमिटेंस के बाद मेक्सिको का है। लेकिन आपको पता है मेक्सिको कहाँ है? मेक्सिको जस्ट एक बॉर्डर शेयर करता है आपका यूएसए के साथ ही, तो वहां के लोग इजीली यूएसए जाते हैं काम करने के लिए, यूएसए से आते हैं, जाते हैं वहां काम कर लेते हैं। हम इतना दूर होते हुए भी हमने
मेक्सिको को भी पछाड़ दिया है, इंडिया सिक्स आप समझो $100 मिलियन है, वहीं पे रेमिटेंस मेक्सिको का जो कि उससे साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका 60% पे, $100 मिलियन हम लोग का है उसका $60 मिलियन है। तो आप समझो हम इतना दूर रहते हुए भी हम लोगों ने मेक्सिको को पछाड़ दिया है। वी आर द टॉपेस्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव $100 बिलियन रेमिटेंस। इस बात पे तो दोस्त बनता ही है एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और एक बार कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।